एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं और शनिवार से बेरोजगारी भत्ता मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने बयान जारी कर कहा, उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता के लिए कई तरह के नियम ला दिए गए हैं, जैसे कि आवेदक 12वीं पास हो, पिछले 2 साल से रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन जीवित हो, परिवार में किसी की सरकारी नौकरी न हो, 5 एकड़ उसका खेत नहीं होना चाहिए, किसी भी संस्था में कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 10 तरह की बात सरकार कर रही है। केएस चौहान ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस तरह से दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जब बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला छत्तीसगढ़ के युवाओं को, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सरकार को घेरा, सरकार घिर गई, मजबूर हो गई। उसके बाद उन्होंने एक रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, नाम भी हो जाए और काम भी ना हो। तो ऐसा एक्चुअली बेरोजगारी भत्ता तो उसको देना चाहिए जो बेरोजगार हो, जिसका पंजीयन हो और जो सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं पा रहा हो, सैलरी नहीं पा रहा हो। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया एक तो 12वीं पास होना चाहिए कोई भी युवा, दूसरा 5 एकड़ उसका खेत नहीं होना चाहिए, तीसरा उसका 2 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए, चौथा उसके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, पांचवा वो किसी भी निजी संस्था में भी काम नहीं करता रहना चाहिए। ऐसी कंडीशंस डाल के उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता जो हमारे युवाओं को मिलने वाला था उनको नहीं दिया और बहुत ही संकुचित कर दिया। और जो बेरोजगारी भत्ते के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 4.5 साल पहले कर लेना चाहिए था, आज दिखाने के लिए 6 महीने के लिए कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ का युवा है वो बहुत अच्छे से समझता है और इसका परिणाम वो आगे दिखाएगा कि आपने क्या किया है, जैसा आपने किया वैसे ही आपको भरना पड़ेगा।